हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सब कुछ गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक बार फिर आए हैं फौजी ढाबा प्रीणी में ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि पूरे मनाली में इनके परांठे सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और ये रहा इनका नज़ारा, यहाँ पर आपको फ्री पार्किंग भी करने को मिलती है। और ये वाइट स्टोन कॉटेज के बिल्कुल सामने है। तो चलिए, आज हमने गोभी के परांठों का ऑर्डर दिया है, तो देखते हैं क्या हमारे परांठे तैयार हुए। अगर तैयार हुए हैं तो लुत्फ़ उठाते हैं। ये रहा फौजी ढाबे के बोर्ड, चलते हैं अंदर की ओर। देखिए कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ पे है। और अभी हम आ गए हैं इनके किचन में, तो देखते हैं। ये आज हमारी फिर गोभी का जो परांठा हमने ऑर्डर किया है, क्योंकि पिछली बार मुझे गोभी के परांठे बहुत टेस्टी लगे थे इनके, और मैं तो टेस्ट के मारे 3-4 खा गया था। और ये फौजी ढाबे की ओनर हैं, तो ये बहुत ही घर के जैसे लजीज और टेस्टी परांठे बनाते हैं। यहाँ पे इनके परांठे बनाने का और इनकी जो स्टफिंग होती है ये बहुत ही लजीज होती है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का परांठा खाना चाहें वो खा सकते हैं, बनवा सकते हैं। आलू गोभी प्याज पनीर मूली। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आपने अपने ढाबे का नाम फौजी ढाबा क्यों रखा है? फौजी ढाबा क्योंकि मेरा बेटा फौज में है। अच्छा, तो देखिए इनका बेटा भी फौज में है और ये दिन रात यहाँ पे मेहनत करती हैं और लोगों को अपने हाथों से बने हुए लजीजदार परांठे खिलाती हैं। और ये परांठा मेरा चला गया है चूल्हे के ऊपर। बस मेरे को तो इसकी खुशबू और स्टफिंग की खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। सच में आपके दुकान के बारे में बहुत ज़्यादा हमने सुना है, क्या आप कुछ बताएंगी कि आप ये परांठे किस तरह से बनाती हैं, क्या क्या डालती हैं इसमें? इसमें पहले गोभी ग्रीस करते हैं, फिर प्याज डालते हैं, हरा धनिया और अजवाइन डालते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला जैसे इलायची जीरा और थोड़ी सी मिट्टी सौंफ डाल के फिर इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं और फिर इसको बनाया जाता है। वाह वाह, बिल्कुल देखिए किस तरह से इन्होंने कितनी सारी आइटम जो है इस परांठे में डाली होती है। तो दोस्तों, जब भी आप मनाली आएँ एक बार पक्का इनके यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही शानदार। और ये देखिए गांव के देसी घी का प्रयोग कर रही हैं परांठे पे लगाने के लिए। ये देखिए परांठे के ऊपर इन्होंने अभी डाल दिया है बिल्कुल देसी घी। ये घी आप कहाँ से खरीदती हैं? गांव से। गांव की जो गांव के लोगों ने जो मवेशी पाले होते हैं ये उनसे घी खरीदते हैं और अपने परांठों पे लगा के बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए मेरा परांठा आ चुका है थाली में और ऊपर से इन्होंने डाला है थोड़ा सा देसी घी। खुशबू से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी होगा जैसे हमने पिछली बार खाया था। लेकिन आइए अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। तो देखिए अभी मैं इसे खाने वाला हूँ, चलिए ट्राई करते हैं। देसी घी के साथ गोभी का परांठा, ओए होए होए होए, एक तो देसी घी की खुशबू, ऊपर से प्योर देसी घी, जो गांव का जो प्योर देसी घी होता है उसका स्वाद और परांठे की स्टफिंग, ओए होए होए क्या बात है। आपको भी ज़रूर एक बार यहाँ पे आकर के ट्राई करना चाहिए। वाह 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 वाह, मेरे लिए एक और लगा दीजिए, मैंने एक और का ऑर्डर किया है क्योंकि मैं सुबह घर से भी थोड़ा दूध पी के आया हूँ, तो आज 3-4 नहीं खा पाऊँगा, आज सिर्फ 2 ही खाऊँगा। तो जब भी आपको मौका लगे, जो भी मनाली के हैं या मनाली में टूरिस्ट घूमने आता है वो इनके ढाबे पे आके ज़रूर ये चीज़ ट्राई करें, क्योंकि इस तरह का घर का बनाया हुआ हर एक चीज़ नेचुरल डाली हुई
इसमें किसी भी प्रकार के रिफाइंड का यूज़ नहीं है और ना ही कोई दुकान से ख़रीदा हुआ मसाला है। ये अपना मसाला खुद क्रिएट करते हैं, जो घर के मसाले होते हैं, और यहाँ तक कि इनका आटा ये भी घर की चक्की का होता है। ओए होए 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 होए, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया।